पूजा पाठ में इस्तेमाल किए जाने वाले फूलों का सदियों से इस्तेमाल होता चला आ रहा है। यह न सिर्फ वातावरण को शुद्ध करते हैं बल्कि इनके उपयोग से सेहत से जुड़ी कई समस्याएं भी दूर होती हैं। इन्हीं में एक पौधा सदाबहार का फूल का भी शामिल है। यह एक प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाला पौधा है। हर सीजन में खिलने की वजह से इसका नाम सदाबहार रखा गया है। वहीं इसमें कई औषधीय गुण मौजूद होते हैं जो कई बीमारियों में राहत दिलाने का काम करते हैं। सदाबहार के पत्तों में कई तरह के औषधीय गुण होते हैं जिनमें एल्कलोइड कंपाउंड ऑक्सीन विनक्रिस्टीन और विल ब्लास्टीन जैसे गुण मौजूद होते हैं। ऐसे में इसके सेवन से बवासीर मधुमेह मसूड़ों के रोग और बालों से जुड़ी समस्याओं से छुटकारा पाया जा सकता है। आइए जानते हैं सदाबहार फूल के फायदों के बारे में। बालों के लिए, बालों को हेल्दी और घना बनाने के लिए सदाबहार के फूलों का इस्तेमाल किया जाता है। इसके लिए आप इसके फूलों को सुखाकर पाउडर बना लें और इसे दही में मिलाकर बालों में लगाएं। सूखने के बाद धो लें, ऐसा करने पर बाल मजबूत होते हैं, साथ ही कई हेयर प्रॉब्लम भी दूर होती हैं। बवासीर, बवासीर एक बहुत ही दर्दनाक बीमारी है। इससे राहत पाने के लिए आप सदाबहार के फूलों का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके लिए सदाबहार के फूल और पत्तियों को पीस लें और इसे सोने से पहले बवासीर पर लगाएं। इससे बवासीर का मस्सा कम होता है और धीरे धीरे वह अंदर चला जाता है। इम्यूनिटी, सदाबहार के फूल का इस्तेमाल इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए भी किया जाता है। इसके लिए आप इसके फूलों का काढ़ा बना कर पी सकते हैं। यह इम्यूनिटी बढ़ाने के साथ ही मौसमी बीमारियों से भी राहत दिलाने का काम करता है। डायबिटीज, पिछले कुछ समय में भारत में नहीं बल्कि दुनिया भर में डायबिटीज के मरीजों की संख्या काफ़ी तेज़ी से बढ़ी है। इसे कंट्रोल करना बहुत ही ज़रूरी होता है, नहीं तो यह जानलेवा हो सकता है। इसके लिए एक गिलास पानी में 5 सदाबहार के फूल 10 मिनट के लिए डालें और फिर इसे पी लें। ऐसा करने पर ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल में रहता है। दोस्तों, अगर आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।